अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज के कराची के दिन बहुत गर्म था और मुझे आज जाना था बहुत दूर। सफ़र बहुत ज़्यादा था, टाइम बहुत कम था और एक टारगेट था, उसे अचीव करना था। तो मैंने बाइक चेक करवाई और मैं चल पड़ा, मैंने अपने दोस्त के पास जाना था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कराची में आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, डस्ट बहुत ज़्यादा, तो अपने रुमाल ले अपने फेस को अच्छे से कवर किया करें। मास्क से तो अच्छा कवर नहीं होता, अपना ग्लासेस वगैरह यूज़ करें। उसके बाद मैं गया डॉल्फिन मॉल, तारिक रोड के बाद मैं वापस आ गया। रात हो गई थी, फिर मैंने अपने दोस्त को बुलाया, ये लुत्फ लाया, उसने मुझे पिक किया। उसके बाद मैं इसके घर गया, इसका घर था चमड़ा चौंगी साइड पर। आज मैंने वहाँ पर स्टे किया, हम लोगों ने कुछ खाया, खाना वगैरह खाया, इसके घर रात स्टे किया मैंने। और इसके घर रात स्टे करने के बाद मैंने सोचा कि सुबह मैंने क्या क्या करना है, मैंने अपनी प्लानिंग बनाई। बहुत मज़ा आया इसके घर पर, इसने मेरी बहुत खिदमत की, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। ये मेरा कोई 5 साल पुराना दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, भाइयों टाइप का। उसके बाद मैं आया डॉल्फिन मॉल, क्लिफ्टन सी व्यू वाले मॉल में। और यहाँ पर आज मेरे बहुत सारे काम थे, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया था। डन, यहाँ पर काम वगैरह ख़त्म किया। उसके बाद मैं गया अपने एक और दोस्त से मिलने के लिए, भी मेरा बहुत पुराना दोस्त है माज। फिर मैं इसके साथ मिला, मैंने इसकी बिफ़ोर एंड आफ्टर पिक्चर्स ली। इसकी पुरानी पिक्चर्स भी मेरे पास हैं, मिल नहीं रही हैं। और उसके बाद फिर मैंने इसकी शॉप में अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाई। हाँ, बताता चलूँ कि शॉप पे ऑफ लगी हुई है, डीजल शॉप पे 70% ऑफ, लाइक जूतों पे और हर एक चीज़ पे। और उसके बाद मैंने अपनी छोटी सी एक वीडियो बनाई यूट्यूब पर डालने के लिए। हाँ यार, जो न्यू है वो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर मुझे इतनी ज़्यादा वीडियो बनाने नहीं आती है, अगर कोई वीडियो देख रहा है जिसको ज़्यादा नॉलेज है इन चीज़ों का, तो वो काइंडली मुझे बताया कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। लाइक मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है यूट्यूब अकाउंट वगैरह का। उसके बाद यहाँ पर वीडियो वगैरह बनाए, इसी शॉप पर बहुत अच्छा चल वेस्टर्न प्रोडक्ट वगैरह आया हुआ था, वो देखा। उसके बाद मॉल की किश्तियाँ देखो, आप देख सकते हो, शॉप से बाहर निकला तो बहुत अच्छा मॉल देखो हुआ हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था। अब मॉल में हर एक ब्रांड की ऑफ लगी हुई है राइट नाउ, देख सकते हैं आप, 70%, 50%, 40%। ये मेरा दोस्त है, आगा में जॉब करता है। अच्छा, उसके बाद शाम को मैं आया कराची का सबसे पहला मॉल था पार्क टावर पर, दो अब्दुलशा गाजी के अपोजिट। यहाँ पर आया इस मॉल में, मैं काफ़ी टाइम से नहीं आया था, यहाँ विज़िट करने के लिए आए हैं। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से 2-3 शॉप्स थी, यहाँ पर रिदान और एक दो और शॉप है, इतना बड़ा मॉल बिल्कुल खाली है। यहाँ आने के बाद अंदर गया, मैं घूमा फिरा, देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है यार। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर भी सारे ब्रांड्स वगैरह आ जाने चाहिए। बस मिस यू दोस्त, मिस यू। छोटा सा क्लिप जो इंस्टा पे अपलोड किया था फ्रेंड के नाम से, उसे भी मैंने एडिट कर दिया इसमें। और उसके बाद रात का सफ़र मेरा लंडे बाज़ार की तरफ हुआ, जहाँ पर एक्सपोर्ट के और आउट ऑफ कंट्री के अच्छे अच्छे शूज़ वगैरह आए हुए हैं, जिसको चाहिए वो जाके लंडे बाज़ार सदर में जाके ख़रीद सकता है। बहुत अच्छा स्टॉक आया है रीज़नेबल प्राइस में। और उसके बाद मेरी ड्रीम ये थी कि मैं अपने घर आ गया जहाँ मैं रहता हूँ, सिंपल।